ऋषि हो गया लक्ष्मी के जाने के बाद पागल, और ऋषि लक्ष्मी को याद करके लक्ष्मी की आत्मा को अपने सामने देखकर कूदेगा पहाड़ी से। और पीछे से देख लिया नीलम ने ऋषि को। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पहाड़ियों पे रहने वाले गांव वाले लोग ऋषि को कहेंगे कि अब लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं रही, वो इतनी गहरी पहाड़ी की खाई में गिरी है, उसका बच पाना नामुमकिन है, अब लक्ष्मी की लाश को पुलिस ही ढूंढेगी। इसे सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि चिल्लाकर कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लक्ष्मी नहीं जा सकती। तभी यह सुनकर गांव वाले लोग ऋषि को कहेंगे वो जा चुकी है, अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। जिसे सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और ऋषि एक जगह बैठ जाएगा और गांव वाले लोग ऋषि को पेड़ के नीचे बिठा देंगे, जहां पर जब पहाड़ियों के पास पुलिस वाले आएंगे और नीलम ऋषि को ढूंढती हुई डर के मारे पहाड़ियों पर दौड़ते दौड़ते हुई आएगी और ऋषि पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी लक्ष्मी चिल्ला रहा होगा और अपने मन से बात करते हुए कह रहा होगा कि लक्ष्मी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, लक्ष्मी तुम कहाँ हो, वापिस आ जाओ ना प्लीज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लक्ष्मी तुम कहाँ हो, मुझे छोड़कर तुम ऐसे नहीं जा सकती। तभी नीलम ये सब ऋषि के मुंह से कहते हुए सुन लेगी और तभी ऋषि को लक्ष्मी को याद करते हुए लक्ष्मी की आत्मा दिखाई देगी, जहाँ पर लक्ष्मी ऋषि को पहाड़ी के नीचे दिखाई देगी और लक्ष्मी अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऋषि को बुला रही होगी और ऋषि लक्ष्मी को अपने सामने यादों में याद करते मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाएगा और पहाड़ी की खाई में आगे गिरने के लिए लक्ष्मी के पास जाने के लिए आगे बढ़ता जाएगा। और तभी नीलम ऋषि को रोकने के लिए सो से ऋषि ऋषि चिल्लाएगी और लेकिन ऋषि को लक्ष्मी के अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा और ना ही सुनाई देगा, जिस वजह से तभी जब ऋषि चलते हुए पहाड़ी के नीचे गिरने के लिए जा रहा होगा तभी पीछे से नीलम दौड़ती हुई ऋषि को पकड़ लेगी और ऋषि को हिलाती हुई कहेगी ऋषि तुम्हें क्या हो गया है, तुम पहाड़ी के नीचे क्यों जा रहे हो, वहाँ पर कोई नहीं है, लक्ष्मी अब जा चुकी है, लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं रही। जिसे सुनकर ऋषि अपने होश में न होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाएगा और नीलम के सामने कहता रहेगा लक्ष्मी मैं आ रहा हूँ। जिसे सुनकर नीलम ऋषि के चेहरे को जोर जोर से हिलाएगी और ऋषि के गाल पर मारती हुई कहेगी ऋषि होश में आओ। तभी ऋषि जब अपनी माँ नीलम को अपने सामने देखेगा और नीलम को रोते हुए कहेगा कि माँ लक्ष्मी देखो ना वो खाई में चली गई, अपने देश के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और ऋषि को कहेगी हाँ बेटा अब होनी को कौन टाल सकता है, जो पहले से होना तय था वो तो हो गया। जिसे सुनकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि कहेगा पहले से तय होना था मतलब। तभी यह सुनकर डरते हुए नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और ऋषि नीलम को कहेगा मॉम आपने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है, अभी जो आपके मुंह से शब्द निकला उसका मतलब क्या है, जो होना था वो हो गया, मतलब आपको क्या पहले से पता था कि लक्ष्मी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तभी यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और ऋषि गुस्से से अपनी माँ नीलम को कहेगा माँ बताओ आपका मतलब क्या था, क्या आपको पहले से पता था कि लक्ष्मी की जान पर खतरा है, क्या पंडित जी ने आपको इसके बारे में कुछ बताया था। तभी यह सुनकर फ्रस्ट्रेट होकर नीलम हाँ कह देगी और कहेगी हाँ मुझे पता था लक्ष्मी की जान पर आज खतरा आने वाला है और वही खतरा आ गया, पंडित जी ने बताया था हमें। जिसे सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऋषि अपनी माँ नीलम से नफरत करने लगेगा और ऋषि को लक्ष्मी के लिए ऐसी माँ नीलम को माफ करना चाहिए क्या नहीं और नीलम को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं और ऋषि को ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।